कोरोना बीमारी में पांचवा और दसवां दिन बहुत महत्व का है, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। पहले मैंने वीडियो में कहा था कि कोरोना वायरस अपने बॉडी में एक बार अंदर घुस गया तो घुसने के बाद में 10 से 11 दिन लगते हैं उसका सिम्टम दिखने के लिए, कुछ सिम्टम्स दिखने के लिए। मतलब कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 10-11 दिन का हो सकता है। उसको अपना रंग दिखाने के लिए, अपने सिम्टम दिखाने के लिए 10-11 दिन लग सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अपने बॉडी में कोरोना वायरस पाल रहा है, पोस रहा है, मगर उसके लक्षण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि मास्क का बहुत महत्व है, क्योंकि सामने वाला इन्फेक्टेड है नहीं, हमको मालूम नहीं है। अभी एक बार 10-11 दिन हो गए तो उसका पहला दिन है जिस दिन आपको सिम्टम दिखा, उसको बोलते हैं फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम्स, पहला दिन। और वो पहला दिन हो सकता है कि खांसी, जुखाम, बुखार, नाक बहना, आंखों में पानी आना, आंखें लाल होना, बॉडी एक्स, बहुत बदन में दर्द, सीने में दर्द, डायरिया, टेस्ट नहीं लगना, कोई स्वाद नहीं आना मुंह को, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये लक्षण जब दिखाई देखना शुरू होता, पहला कोई भी लक्षण, वो है पहला दिन। हम तुरंत हमने RAT करना चाहिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट, RT-PCR करना चाहिए। सिम्टम दिखते हैं, टेस्ट का रिपोर्ट कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, हमने तो उसको COVID-19 करके ट्रीट करना चाहिए, इसमें कोई दूमत नहीं आज, क्योंकि टेस्ट फाल्स नेगेटिव आ सकती है। अब सिम्टम चालू होने के बाद में पांचवा दिन बहुत महत्व का है, 5 से 10 दिन, क्योंकि 5 से 10 दिन ये जो है ना, इसमें एक तो आदमी अच्छा हो जाएगा ट्रीटमेंट किया है तो, या फिर खराब हो जाएगा। तो बहुत ही कड़ी नजर से देखना पड़ता है कि भाई, क्योंकि उस समय क्या होता, पांचवे दिन इम्यून सिस्टम बहुत काम में लग जाता अपने बॉडी का। इम्यून सिस्टम मतलब अपने ताकत जो है उसको कोरोना वायरस को रोकने की, वो बहुत काम में लग जाती है। और वो यदि ज्यादा काम में लग गए तो प्रॉब्लम आ सकता है, कम काम में लगे तभी प्रॉब्लम है। तो पांचवें और दसवें दिन में सिम्टम्स एक तो कम कम होते हुए खत्म हो जाना चाहिए 10वें दिन तक, और नहीं तो फिर 5वें, 6वें, 7वें दिन सिम्टम बढ़ रहा है। और सिम्टम बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि भाई ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, ऑक्सीजन 90 के नीचे जा रहा है, दम मतलब बहुत दम लग रहा है, बुखार उतरने का कोई नाम नहीं ले रहा है, और फिर उसको सांस मतलब ऑक्सीजन देने के बाद में भी उसको तकलीफ हो रही है, और फिर बाकी अदर ऑर्गन्स धीरे धीरे इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है। तो फिर वो देखना चाहिए कि हमारा बुखार बढ़ रहा है, दमा बढ़ रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, और कुछ भी दिया तो भी बुखार कम नहीं हो रहा है, कुछ भी लक्षण कम नहीं हो रहे। तो ये लक्षण 5वें से 10वें दिन तक दिखाई देते हैं, और 10वें दिन में वो आदमी एक तो पूरा ठीक हो जाएगा या फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो इसलिए हमको पहला दिन आइडेंटिफाई करना जरूरी है, पांचवा और दसवां दिन। अब पहला और पांचवा दिन है उसमें हमने एंटीबायोटिक्स चालू किया है अपने डॉक्टर के सलाह से, एंटीबायोटिक्स है अलग अलग तरह के, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, विटामिन सी, जिंक, एंटीकोएगुलेंट्स, तो ये दे रहे। यदि लेवल कम होना शुरू हो गया तो स्टीरॉयड दे सकते हैं, या तो स्टीरॉयड का वापर कम से कम करना चाहिए। अभी तो ऐसा हो रहा है कि मिथिल प्रेडनिसोलोन डॉक्टर लोग बहुत वापर रहे, और उसकी वजह से एक बड़ा कारण है स्टीरॉयड का वापरने का, म्यूकोरमाइकोसिस, सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसलिए स्टीरॉयड का वापर कम करना चाहिए, एंटीकोएगुलेंट्स वापर सकते हैं, एंटी फंगल टैबलेट दे सकते हैं, और ये करके 5वें 6वें दिन में बीमारी कम कम होते जाएंगे। मगर लोग क्या करते हैं कि पहले 5 दिन है, थोड़ा बुखार है, थोड़ी खांसी है, तो वायरल फीवर जैसा दिखता है, डर के मारे बोलो या बेफरवाही है, कुछ ख्याल देते नहीं है, थोड़ी बहुत दवाई पैरासीटामोल वगैरह ले लिया और बोले ठीक हो जाएगा, ऐसा उनको लगता है। 5 दिन हो जाते हैं और बाद में फिर एकदम तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर दौड़ना शुरू हो जाता है। तो हरदम ये देखना है कि रोज पहले 5 दिन जब सिम्टम दिख रहे तो रोज टेम्परेचर नाप रहे, ऑक्सीजन लेवल नाप रहे, नहीं तो फिर 6वें दिन में प्रॉब्लम आना यदि शुरू हो गया तो हॉस्पिटलाइज करना जरूरी हो जाएगा। यदि साइटोकाइन स्टॉर्म हो गया मतलब इम्यून सिस्टम ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देना चालू किया तो वो भी फिर मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो सकते हैं। क्या होता है कि स्टीरॉयड जो है वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, बहुत ज़्यादा भड़का देता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव कर लेता है। तो स्टीरॉयड हम जब देते हैं तो इम्यून सिस्टम को भड़कावा देता है, इम्यून सिस्टम और ज़्यादा काम में लग जाती है, और उसमें इम्यून सिस्टम ने ज़्यादा काम कर लिया तो साइटोकाइन स्टॉर्म में आदमी जा सकता है। तो हरदम 6th to 10th day ये बहुत महत्व के हैं। पूरा कंप्लीट अच्छा होने को 14 दिन लग जाते हैं, तो 14 दिन में तो ये असिम्टोमेटिक हो जाएगा, बाद में कभी कभी किसी का RT-PCR बाद में भी पॉजिटिव आता है वो आ सकता है, मगर 14 दिन के बाद में चांसेस एकदम ही कम है कि वो लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो आपने हरदम ये ख्याल में रखना चाहिए कि पहले 5 दिन जो है बेपरवाही नहीं करना है,
डॉक्टर के निगरानी में रहो, डॉक्टर ने बोला भर्ती हो जाओ तो भर्ती हो जाओ, जो आपके पैरामीटर्स है वो डेली चेक होना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।